स्कूल तो अंकल जी वही 2-3 बजे तक। चल खाना खा खाना खा खाना खा खाना खा खाना खा आ जा। दूध वूध नहीं डाले। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ ये है अंकल और आंटी की अपडेट, मतलब सपना के सास ससुर की अपडेट के बारे में बता रही हूँ। ये है जेरी के जाने के बाद के वीडियो से। जेरी तो आप सब लोग जानते हैं कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसके बाद की ये वीडियो है। और ये जो पर्सन यहाँ पर दिख रहा है ये इनका बताता है, इनका पड़ोसी है, और ये बोल रहा है कि अंकल आंटी ने ही मुझे परमिशन दी है उनके वीडियोस बनाने के लिए। अगर आंटी अंकल आंटी ने आपको परमिशन दी है वीडियो बनाने के लिए, तो एक बार मैं ये कहना चाहूँगी जो मेरा पक्ष है कि आप आंटी से पूछ कर दिखाइए कि आंटी क्या मैं आपका वीडियो बना सकता हूँ और इसे सोशल मीडिया पर डाल सकता हूँ क्या। अगर आंटी हाँ बोलती हैं तभी हमें ये समझ में आएगा कि आप सही रहे। अदरवाइज़ काफ़ी ऑडियंस खुश है कि काफ़ी दिनों बाद सपना के जाने के बाद अंकल आंटी को हमें देखने के लिए मिला और उनकी अपडेट निकल कर सामने आई कि वो लोग कैसे हैं, उनकी तबीयत ठीक है या नहीं है। वैसे सपना बताती रहती है उन लोगों को कुछ नहीं होगा, उनकी तबीयत ठीक है। और यहाँ पर इनका कुछ चैनल सिमी या कुछ करके कुछ इनका चैनल है, ये इनके शायद पड़ोस में ही रहते हैं इसी वजह से। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि उनके मेरे कमेंट्स आए थे कि आपको किसने परमिशन दी है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे अंकल आंटी ने ही परमिशन दी है। यहाँ पर ये गाइस से बताना चाह रहा है ये जो बंदा है पर्सन है कि मुझे अंकल आंटी ने परमिशन दी है तभी मैं उनके वीडियो बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर ये बनाकर डाल रहे हैं। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किया है, अगर आपने अंकल आंटी के वीडियोस में दिखाए उनके अपडेट ही तो बहुत अच्छी बात है। तो भैया जी हम चाहते हैं कि अंकल आंटी भी अपना पक्ष रखें। हाँ तो सही बात है, मैं भी यही कह रही हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी ने लिखा है वंदना सिंह है, वंदना सिंह ये बोल रही हैं कि भाई हमें मालूम तो पड़े कि अंकल आंटी ने आपको अपना पक्ष रखने के लिए अगर मौका दिया है तो आप उनसे एक बार पूछ लीजिए। और यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट आया है, अंकल आंटी सूरज राजवीर भाई तो चले गए लेकिन दुनिया की सब संस्कारी बहू बेटियाँ आपको प्यार करती हैं, अपना ख्याल रखो। जी हाँ, कोई अंकल आंटी जी का शुभ चिंतक है, वेल विशर है, वो ये कह रहा है कि आंटी थी तो आप बहू तो चली गई पर आप लोग अपना ख्याल रखें। तो आंटी जी तो वैसे भी अपना ख्याल रख रही हैं, और दिक्कत तो है अंशु की और सपना की दिक्कत हो रही है, जो हम लोग वीडियोस में देखते हैं कि सब अंशु का सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम लोग समझ रहे हैं सभी लोग, जब अभी सपना ने जो अपना वीडियो शेयर किया उसमें अंशु की और आप हालत देख सकते हैं। भैया जी आप कह रहे हैं कि अंकल आंटी की अपडेट देंगे वीडियो में, वीडियो में हमें अपडेट नहीं चाहिए, उन दोनों की कुछ भी हो जाए हमको मतलब कोई भी अपडेट नहीं चाहिए, जो आपने बहू और बच्चों के साथ अपने बच्चों और बहू के नहीं हो सके किसी और के क्या होंगे वो दोनों। हमें कमेंट ऐसा लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि हम उनसे बोलने के बाद फिर भी कुछ है, पता नहीं कोई है एक ऐसा जो उन्होंने बताया है कि हमें आंटी की अपडेट नहीं चाहिए। हम उनसे बहुत नाराज़ हैं क्योंकि जो अंकल आंटी अपने बहू के नहीं हो सके तो और किसी के क्या ही होंगे। और इसी वजह से जहाँ तक है जेरी और रोगी बीमार हो गए हैं क्योंकि उनके जो चाहने वाले थे सपना और अंशु अब उस घर में नहीं है। और जानवर ये चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं, जो उनको प्यार करता है, जो उनके साथ बहुत अच्छे से रहता है, अगर काफ़ी दिनों से उनको ना मिले देखने या उनसे बात करने के लिए तो वो परेशान हो जाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। इसी की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है जेरी के साथ में, और ओगी भी अभी कुछ खास अच्छा नहीं है क्योंकि उसका दोस्त जेरी भी चला गया और काफ़ी उसके चाहने वाले उसके आसपास नहीं है। यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है सपना ने और अंशु ने, दोनों ने ही अपने चैनल पे एक वीडियो शेयर किया है जिनमें उन दोनों ने मिलाया है कि बताया है कि वो लोग किस तरीके से मिले हैं और काफ़ी कैसे मिस किया है। और हाँ, आरू ने भी और आरू ही दोनों ने अपनी बुआ को बहुत मिस कर रहे हैं। और सपना ने अपनी सारी चीज़ें जो अंशु के लिए बनवाई थी, गोल्ड की जो भी चीज़ें थी वो दे दी है, और अंशु परेशान है और सपना भी अंशु को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अंशु के बारे में सोच सोच के परेशान है कि बेचारी वो बच्ची बहुत दुखी है और उसके मम्मी पापा उसे समझ नहीं रहे हैं। मतलब अंशु को उसको ज़रूरत है और सपना को भी अंशु की ज़रूरत है, पर ये कौन समझेगा, उनके मम्मी पापा नहीं समझ रहे हैं, कोई नहीं समझ रहा, सिर्फ समझने की देर है अंशु को अपने मम्मी पापा को। अगर अंशु के मम्मी पापा समझ जाएँ तो काफ़ी चीज़ें ठीक हद तक हो सकती हैं। अगर अंशु के मम्मी पापा चाहें तो वो अपनी बहन को भी मना सकते हैं कि एक परिवार एक हो जाए, पर पता नहीं वो लोगों के मन में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं। तो गाइस आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं,
मुझे लगता है कि अंकल आंटी को सब कुछ ठीक करके अंशु और सपना को वापस बुला लेना चाहिए और पूरे परिवार को वापस खुश और एक साथ रहना चाहिए, ताकि राजवीर जी और सूरज जी की आत्मा को शांति मिले। हम तो यही चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना भी यही करते हैं कि सब कुछ जल्दी से अच्छा हो जाए। और जो भी पड़ोसी बता रहे हैं कि हम अंकल आंटी के पास में रहते हैं, तो हम तो ये उनसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको सुनने को मिल रहा है, अगर ये वीडियो आप तक जाती है, तो आप अंकल आंटी से पूछिए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपने सपना को रोका तक नहीं और अंशु को भी बीच में ही जाने दिया। उनको अपना पक्ष रखने के लिए मौका दीजिए और बताइए कि किस वजह से उन्होंने सपना और अंशु को अलग किया, क्या ऐसा कारण रहा, क्योंकि सपना तो काफ़ी अच्छे से रह रही थी। गाइज़, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं दूसरे